हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले QS5 के वोकल मिक्सिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज डिटेल में पता चल सके। तो हम यहाँ से आपको सुनाते हैं सबसे पहले वोकल, और बिल्कुल ही सिंपल सुनाते हैं। इसमें कुछ ही चीजें लगी हुई है, अभी पूरा मिक्स नहीं है। तो वोकल सबसे पहले सुन लीजिए आप लोग। आसर में कहत गोइल छठी दिवाली, चढ़ते फगुनवा सूखे हमर होठ लाली, जिंदगी भइल बबेहाल हो जाए चंदा, सैया से कही हो जाए चंदा, सैया से कही हो के डाली रंगावा गुलाल हो, ए चंदा के डाली रंगावा गुलाल हो। तो ये आपने सुना अभी, तो इसमें ज्यादा चीजें मैंने लगा के मिक्स नहीं किया है। मिक्स करने के समय मैंने इसमें इतनी सारी चीजें लगाई है क्योंकि इतनी ये इसको अगर नहीं लगाते हैं ना तो ये मैंने पहली बार लगा के ट्राई कर रहा था कि अगर हम सैंड में लगाते हैं कुछ तो हमारा वोकल किस तरीके से बन पाता है। तो इसमें भी काफी ज्यादा बढ़िया हमें रिजल्ट मिला है। आप लोग भी ऐसा कर सकते हो, आपको भी काफी अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको फाइनली हमें इसमें रिजल्ट क्या मिला है। रिजल्ट सिंपल इसमें यही मिला है कि इसकी सबसे पहले हम सेंड की आपको सुना देते हैं। अभी मैंने सारा कुछ ऑन कर दिया है, सारा कुछ हमारा ऑन है, आप देख सकते हो। चलिए सुनते हैं, थोड़ा सा आगे सुन लेते हैं हम लोग, कोई बात नहीं है, आगे सुन लेते हैं। सारे बराबर वोकल्स रिकॉर्ड है, जहां पर भी आप देखोगे तो बराबर रिकॉर्ड है। अगर आप कहीं पर भी मैं सुनाऊंगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो हम यहीं पर सुनेंगे, क्या दिक्कत है हमें। चलिए सुनते हैं। सोच ले रही अब की फगुआ संग में बिताई, राजा जी के अपना हम रंगवा लगाईब। तो इसमें हमारा इक्वलाइजर किया हुआ है और ऑटो ट्यून सिर्फ लगा हुआ है, उसके बाद इधर एफएक्स में ये सारी चीजें लगी हुई है। तो हम एक एक करके आपको सबसे पहले हम दिखा देते हैं आपको एफएक्स यानी कि सेंड वाली, जिसमें हम वोकल को कंट्रोल कर पाते हैं। तो चलिए देख लीजिए, इसमें रिवर्ब ए लगा है। रिवर्ब ए की सेटिंग बहुत ही सिंपल है, डिफॉल्ट पर है, सिर्फ इसकी सिंपलिसिटी उसको कम कर दी गई है। उसके बाद हमारा रोम वर्क SC है, ये आप देख सकते हो, वीडियो पॉज कर करके देख सकते हो, वीडियो रोक रोक के आप लोग देख लेना क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। तो ये देख सकते हो रोम वर्क SC है। उसके बाद हम रोम वर्क यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर है, इसकी सेटिंग्स आप लोग चेक कर लेना। इसमें देख सकते हो जीरो किया हुआ है। तो एक एक करके सारे की सेटिंग आप लोग चेक कर लेना। स्टूडियो है तो स्टूडियो का आप लोग देख सकते हो, एंसर है, बस सिंपल सी आप वीडियो रोक रोक के देखोगे आपको सब कुछ पता चल जाएगा, है ना। तो वीडियो रोक के देख लेना, DBX देख लो। अब ग्रुप है, ग्रुप में देखो मैंने क्या लगाया है, JPP, बट JJPP ये थे, ग्रुप में खोल के ही दिखा देता हूँ बढ़िया से। ये ग्रुप और ये रहा ग्रुप और ये रहा सेंट। अब ग्रुप में देखो क्या क्या लगा है, JJP है। उसके बाद JJP में क्या सेटिंग आप लोग रोक के देख लेना। मल्टीमाइजर देख लो इसमें क्या है, डबल डिले में देख लो क्या है, गेट में देख लो अभी क्या है, ये गेट है हमारा, क्लासिक है इसको देख लो, PLS को देख लो, उसके बाद बॉस को देख लो। ये हमारी इतनी सारी चीजें मैंने अभी आप लोगों को दिखाई, आप चाहो तो इसे रोक रोक करके देख सकते हो, बहुत ही सिंपल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसमें लगाते हैं CLA। सबसे पहले जो वोकल को टाइट करने के लिए हम CLA का यूज करते हैं, तो हम CLA दो लगाते हैं, सभी एक लगाते हैं हम, बट दो लगाते हैं। दो CLA, एक में PA डिफॉल्ट या फुल रिसेट और एक में स्टार्टअप में, है ना। उसके बाद हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर मोड डिले। हम मोड डिले दो लगाएंगे, एक और दो, मोड डिले हम दो लगाएंगे, एक रिसेट रहेगा एक बाउंस रहेगा। रिसेट को हम 10%, 11% और बाउंस को हम 4%, 5%, 6% भी चलेगा तो ठीक है। और इसके बाद हम इसमें यूज करने वाले हैं, इसमें हम यूज करने वाले हैं एक डिले के अंदर हमारे पास नहीं है, बट डायनामाइक के अंदर मेरे पास हो जाएगा, मिक्स माइजर नहीं तो लिमिटर हम यूज कर लेते हैं, मिक्स माइजर भी लगाएंगे। मिक्स माइजर में हम शेयर करेंगे, मिक्स माइजर शेयर, और हम इधर से लिमिटर यूज करेंगे। तो लिमिटर हमारा ये हो गया, और लिमिटर में हम यहाँ पर मास्टरिंग के लिए देंगे, चलिए
और उसके बाद हम लिमिटर में और डायनामाइक के अंदर यहाँ पर हम यूज़ जो करने वाले हैं वो हम VHT डायनामाइक तो करने वाले हैं नहीं अभी, तो यहाँ पर हम आर कंप्रेसर ही कर लेते हैं, ये भी एक बहुत बेहतरीन है। तो चलिए हम देखते हैं और सुनते हैं थोड़ा सा। सोच ले रही अब की फगुआ संग में बिताईबू, रह जज के अपना हम रंगवा लगाईबू। काहे नहीं बुझेला तू मेहर के बतिया, काहे नहीं बुझेला तू मेहर के बतिया, एक दिन लगे एक सहाल हो जाए चंदा सैया से कही हो, जाए चंदा सैया से कही हो, के डाली रंग हवा गुलाल हो। ए चंदा के डाली रंग हवा गुलाल हो, विकेश शिवम आवे आसू। तो इसमें अभी प्रॉब्लम क्या आ रही है ना कि वोकल ऊपर की ओर नहीं जा रहा है ना, तो हम वोकल को ऊपर करने के लिए यहाँ पर यूज करने वाले हैं स्वीट स्नेकर भी नहीं हम यूज करेंगे, पैड को यूज करके देखते एक बार। आंसू के होली में देह, तो ये परफेक्ट हमारा आ गया है जो हमें चाहिए था वोकल। तो अब हम इसमें कुछ करने वाले हैं वो आप लोग ध्यान से देखिए, चलिए सुनते हैं थोड़ा पहले हम। देहवारा निखिल डाले रंग हमारा चोली में, यहां से हम थोड़ा सा सुनाते हैं आपको ट्रैक के साथ। बीके शशि बमावे आंसू के होली में, देह बारा निखिल डाले रंग हमारा चोली में। तो ये आपने देखा ये बिल्कुल ही परफेक्ट हो चुका है। अब अगर कुछ लोग करते क्या है, ये इस मिक्सर्स में जाके यहाँ पे मल्टीबैंड और ये मिक्स मैजर, मैं अभी इसको भी दिखा देता हूँ, इसे भी मैं ऑन करना है और देखो इसमें खराबी क्या आती है, देख लो। के करा के कही अपना दिलावा के बतिया, वोकल की क्वालिटी तो बहुत ज्यादा हाई हो जाती है ना, वोकल की क्वालिटी में कमी नहीं आएगी, बट हमारा अगर यही वोकल और ट्रैक देखो अभी पता चल जाएगा। आसरे में पहुंच गई छठी हटवाली छजते फगुनवा, ये होता है ना कि ट्रैक में भी काम करने लगता है, तो इसका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो इसे एक बार एक्सपोर्ट कर लो वोकल को, फिर आप उसमें यूज करो, यहीं पर यूज कर लेना तो ज्यादा बेहतर रहेगा, और जाके मिक्सर पैनल में कभी यूज मत करना। उनसे होता क्या है कि ट्रैक और वोकल उस ट्रैक में भी काम कर जाता है इफेक्ट, तो ट्रैक के साथ साथ वोकल तो खराब, वोकल तो अच्छा हो जाता है बट ट्रैक खराब हो जाता है। तो यही था और हम थोड़ा सा सुना देते आपको, ज्यादा हम ट्रैक नहीं सुना पाते हैं क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज चलते रहती है, और ट्रैक में कुछ भी धुन अगर मैच करता है तो भी कॉपीराइट आता है, बट ट्रैक तो अपना ही बना हुआ है तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी वैसे तो, बट मैं आपको फिर भी सुनाने की कोशिश करता हूँ, चलिए सुनते हैं। और मैं डीजी ट्रैक और सिंपल कराओके भी बनाना आप लोगों को जरूर सिखाऊंगा, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस करके रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मैं मिल और चलिए सुनते हैं थोड़ा सा पहले। आसरे में कहट गई छठी हदवाली चढ़ते फगुनवा सूखे हमर होठ लाली, जिंदगी भइल बबहाल हो जाए चंदा सैया से कही हो, जाए चंदा सैया से कही हो, के डाली रंगावा गुलाल हो। ए चंदा के डाली रंगावा गुलाल हो। ठीक है, आई होप आप लोगों ने सुना होगा और आपको काफी अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में नई वोकल के साथ नई मिक्सिंग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, गुड बाय।